स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी में काफी मजेदार ट्विस्ट आ चुके हैं। शो में जहां आप देखते हैं कि अनुपमा की अब जान बच चुकी है, वो पूरी तरीके से जिंदा है और वो अपनी फैमिली के साथ फिर से घुल मिल गई है। वहीं अनुज और छोटी इस पुनर्मिलन से काफी खुश हैं और अब अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं। अनुपमा का भी घर में काफी गर्मजोशी से वेलकम किया जाता है और उसे आराम करने और कोई भी काम ना करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहीं शो की कहानी में आगे आप देखते हैं कि अनुपमा को एक काम याद आता है जिसे वो किसी भी तरीके से पूरा करना चाहती है। जी हाँ, यानी अनुपमा इस बार संघवी के घर पहुंचती है जहां वह मेघा से बात करना चाहती है। वहीं मेघा छोटी के कमरे में बैठी हुई दिखाई देती है और अपनी प्रिया को याद करती है। वहीं मेघा काफी गुस्से में हो जाती है और वह प्रिया को उसे छीन कर घर वापस आने के लिए अनुपमा से काफी गुस्सा है। वहीं अनुपमा मेघा की इस समस्या को सुलझाना चाहती है। वह यह भी चाहती है कि मेघा इस बात को स्वीकार करे कि प्रिया अब नहीं रही और वह उसे किसी अन्य लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन शो में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या मेघा अनुपमा की इस बात को समझ पाती है, क्या अनुपमा मेघा को जब चाहे छोटी से मिलने की परमिशन देगी, और अगर मेघा छोटी से मिलती है तो फिर कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी। जी हाँ, शो के अपकमिंग एपिसोड में ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन सीरियल अनुपमा। फॉर लेटेस्ट टीवी न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेली नेटवर्क।